गाइस, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है मैंगो रस की, और उसके पहले ही वो लोग एकदम क्लीन कर रहे हैं ताकि वो लोग एकदम प्रॉपर हाइजीन भी मेंटेन हो सके। और ये केसर कह रही है जो मशीन में डलने के लिए जा रही है, तो और आगे का इसका मेकिंग देखते हैं। और ये भैया ने केसर मैंगो डाला अंदर, देख सकते हो कि कितने सारे केसर मैंगो है ये। और उसके अंदर इन्होंने चीनी डाली, शुगर डाली, और इसके अंदर इन्होंने आइस डाला, जो आइस का आपने देखा कि पहले जो कटिंग हुआ था वो वाला इन्होंने डाला। और अभी मशीन चालू हो चुकी है और इसके अंदर दूध, देख सकते हो कि वहाँ पे रस निकल भी चुका है। यहाँ से जो रस निकलता है वो यहाँ से अंदर वापस जाके रिफिल होता है, और वापस से सेम प्रोसेस होती है। मतलब ये दो बार इनकी ये प्रोसेस होती है। आप देख सकते हो गाइस, ये कितना अच्छा लग रहा है पूरा रस। और जो भी आम का कचरा होता है, जैसे कि गुठली और ऊपर की जो पिल बोलते हैं आपको, और वो आम यहाँ से साइड से निकल जाता है, ये पूरा देख सकते हो आप नीचे निकल जाता है, पूरा भर गया है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो पतीला बोलते हैं वो पूरा भर गया है। और अभी कंटिन्यू हो रहा है रस गिरना, और अभी वहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे होगा। अभी जो भी आप एम्प्टी कार में रखे हैं वो सारे भर जाएंगे। और आप देख सकते हो एक कार में यहाँ पे पूरा भर चुका है, और अभी दूसरा भी फिल हो रहा है। ये जो कैरी मतलब आम के जो कार्बे है वो अभी वो कोल्ड रूम में जाएंगे, तो भैया ये कोल्ड रूम में रख दीजिए, हम आपको दिखा देंगे कोल्ड रूम कैसा है। तो भैया ये पूरा कोल्ड रूम है अंदर, आप देख सकते हो ये पूरा कोल्ड रूम के अंदर जगह है। तो यहाँ पे 6 घंटे तक ये रहेगा, और 6 घंटे के बाद ही वो फिर कस्टमर के लिए सर्व होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 कार्बे इन्होंने कैसे रख दिया है। सो गाइज, जैसे ही कोल्ड रूम से रस 6 घंटे के बाद ठंडा होके डायरेक्ट ये फ्रीजर में चला जाता है, और हम देखते हैं कि फ्रीजर में ये रस कैसा है। और ये है सिंपल रस, आप देख सकते हो गाइज ये कितना मतलब टेम्पटिंग लग रहा है। तो गाइज अभी हम ट्राई कर रहे हैं पटेल प्रीमियम वाला रस, और देखते हैं कि वाला टेस्ट में भी कैसा है। और भैया मेरे 4 ग्लास बना दीजिए। हाँ, इसके अंदर अमूल इसके अंदर क्रीम भी है।
क्रीम होता है। और इसके पटेल प्रीमियम में उसके ऊपर एक्स्ट्रा भी चॉप की हुई मैंगो आती है। भैया एक ग्लास कितने का है? 40। ओके, तो 40 रुपए का एक ग्लास है। डिलाइट हम ट्राई कर रहे हैं जिसमें सारे फ्रूट्स और आइसक्रीम भी आती है, तो इसका टेस्ट तो लाजवाब ही होगा। भैया दो ग्लास मेरे मैंगो डिलाइट कर दीजिए।